फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी क्रीम के बारे में जानेंगे जो कि स्किन यानी कि त्वचा से रिलेटेड एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, ठीक करती है। तो क्या इस क्रीम के साइड इफेक्ट भी हैं? इसी के साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्रीम में होता क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो काम कैसे करती है, इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सीलोडर्म क्रीम जिसमें की है ड्राई मेथिकोन, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, सेट्रीमाइन। अब बात कर लेते हैं सीलोडर्म क्रीम के यूज की। सीलोडर्म क्रीम का यूज होता है नंबर वन एक्जिमा, खुजली होने पे, नंबर टू बेड सोर का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि एक लंबे टाइम से बेड पे पड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है, चोट जैसा हो जाता है, तो वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। नंबर थ्री डायपर रेसेस, डायपर रेसेस का मतलब होता है कि छोटे बच्चों में डायपर की वजह से होने वाले रेसेस में। नंबर फोर बर्न, जैसे कि सन बर्न या फिर आग से जलने पे। नंबर फाइव इंसेक्ट बाइट, लाइक आपको किसी कीड़े ने काट लिया, जैसे कि मधुमक्खी ने काट लिया, तो वहां पे हम इसको लगा सकते हैं। नंबर सिक्स कट, चोट लगने पे। नंबर सेवन यूज एज ए मॉइस्चराइजर, जैसे कि फटे होंठ, दरदरे हाथ, तो उनको ठीक करने के लिए ये क्रीम लगाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि क्रीम में जो इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं उनका काम क्या है। नंबर वन ड्राई मेथिकोन, यहाँ पे जो ड्राई मेथिकोन है वो मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है। नंबर टू कैलामाइन, कैलामाइन जो कि कूलिंग सेंसेशन देता है, यही रीजन है कि ये क्रीम जो है सनबर्न या फिर इरिटेशन, जलन में, मतलब जैसे मधुमक्खी ने आपको काट लिया या फिर किसी कीड़े ने काट लिया, तो वहां पे इतना अच्छा वर्क कर रही है। और इसके अलावा कैलामाइन अपने पास माइल्ड एस्ट्रोजेंट की प्रॉपर्टी भी रखता है। माइल्ड एस्ट्रोजेंट वो होते हैं जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। इसी के साथ में कैलामाइन जो है अपने पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वेरियस टाइप की स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा, एलर्जिक रेसेस, इन सबको ट्रीट करता है, ठीक करता है। सीलोडर्म क्रीम में जो हमारा सेटिमाइड यूज हुआ है वो यहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस, इन सबको किल करते हैं, मार देते हैं। इसके बाद आपका जो सीलोडर्म क्रीम में जिंक ऑक्साइड यूज हुआ है वो यहाँ पे वो इरिटेशन को ट्रीट करता है। तो ये सारा कुछ था आपका सीलोडर्म क्रीम के बारे में। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको मार्केट में सीलोडर्म क्रीम अगर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे जितना काम सीलोडर्म क्रीम कर रही है उतना काम अकेले कैलामाइन लोशन भी कर देगा। तो आप कैलामाइन लोशन भी ले सकते हैं जो कि वो भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल